फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। फ्रेंड्स देखिए, हमने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए, उसमें तेल भी डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद हमने बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया। देखिए, अब हम उसमें कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे। अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे, उसको भी थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप ज़रूर बनाइएगा स्प्रिंग रोल, चिकन स्प्रिंग रोल, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए, हमने इसमें पत्ता गोभी डाल दिया है बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ हमने शिमला मिर्च डाल दिया है। मेरे पास हरी वाली और रेड वाली दोनों थी, दोनों डाल दिया है दोस्तों हमने, उसको चला लेंगे। और हमने इसमें कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया है अब एक चम्मच। अब हम इसमें विनेगर डाल देंगे एक चम्मच। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चला लेंगे। इसमें हमने बॉयल चिकन डाल दिया है, चिकन को हमने बॉयल करके रखा था मैश करके। देखिए, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे सोटे होने तक। इधर दोस्तों, हमने मैदे का घोल बना लिया है। देखिए, मैदा ले लिया था हमने, उसमें एक बाउल में पानी भी डाल दिया है, डाल के उसको घोल बना लिया है। फ्रेंड देखिए, ये जो है हमने शीट जो है घर पे बनाई थी, स्प्रिंग रोल की जो शीट है ये हमने घर पे बनाई थी दोस्तों, आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने चिकन डाल के और घोल लगा के बना लिया। देखिए, हमारा रोल तैयार है। देखिए, हम आपको और बना के दिखाएंगे। देखिए, हमने जो चिकन पका के रखा था वो हमने सीट के ऊपर डाल दिया है चम्मच से, और इसको अब हम रोल करेंगे अच्छे से। देखिए, हमारा रोल अब सब तैयार है, हमने अब इसको फ्राई करेंगे। उधर हमने पैन में तेल डाल के रख दिया था, तेल हमारा गर्म हो गया था। फ्रेंड्स देखिए, हम उसमें एक एक करके डालते जाएंगे अपने रोल को। फ्रेंड्स, इसको थोड़े थोड़े देर पे पलटते जाएंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी हो गया है रोल। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए। आप इसको सॉस या चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी, इससे भी आप खाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर बनाइए रमज़ान में, रमज़ान में आप इसको ज़रूर ट्राई करिए इफ्तारी में, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स,